ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ने बसरा में एक गुलाम खरीदा। वो गुलाम भी वलीउल्लाह साहब निस्बत और तहज्जुद गुजार था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उससे पूछा, क्या ये गुलाम, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हजूर, गुलामों का कोई नाम नहीं होता, मालिक जिस नाम से चाहे पुकारे। आपने फरमाया, ऐ गुलाम, तुझको कैसा लिबास पसंद है? उसने कहा कि हजूर, गुलामों का कोई लिबास नहीं होता, जो मालिक पहना दे वही उसका लिबास होता है। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये गुलाम, तू क्या खाना पसंद करता है? गुलाम ने कहा, हजूर, गुलामों का कोई खाना नहीं होता, जो मालिक खिला दे वही उसका खाना होता है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह चीख मार कर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो फरमाया, ऐ गुलाम, मैं तुझको आजाद करता हूँ। मैंने तुझे पैसे से खरीदा था, मगर अब तुझको पैसा नहीं देना है, मैं तुझको मुफ्त में आजाद करता हूँ। गुलाम ने पूछा कि किस नेमत के बदले में आप मुझे आजाद कर रहे हैं? आपने फरमाया, तुमने हमको अल्लाह की बंदगी सिखा दी।